यूट्यूब फैमिली गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं राखी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल को राखी गढ़वाल में स्वागत है। अभी बज गया है 7:10 हो रहा और मेरा रोटी बन गया है। थोड़ा बहुत काम भी कर लिए और सब्जी आज नहीं बनाएंगे क्योंकि पापा सब्जी नहीं खाएंगे और हम लोग भी सब्जी नहीं खाएंगे, तो पापा दूध रोटी खाएंगे। तो अभी दूध लाने गए हैं और मेरा ब्लॉग 2 दिन से नहीं जा रहा, तो इसी वजह से बोले आईना में दिख। तो मेरा 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं जा रहा, लेकिन हाँ शॉर्ट हम डाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरा शॉर्ट देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और जो जो कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी पापा बाहर गए हैं तब जाके ब्लॉग स्टार्ट किए हैं हम, तो आज घर में दूध रोटी चलेगा। और हाँ, यहाँ पर ही हम लोग छठ पूजा इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे और मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा उस पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है मम्मी का, तो छठ पूजा नहीं होगा। बस काली पूजा हम लोग मनाएंगे और उसका व्लॉग आप लोग तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा के जैसा काली पूजा भी हम यहीं पे मनाएंगे, तो काली पूजा व्लॉग आप लोग देखिएगा। ऐसे रंग पचौड़ा नहीं किए हैं और शायद नहीं होगा क्योंकि कौन करेगा, हम तो कर नहीं पाएंगे। और वहाँ पर ही तो अभी काम ही चल रहा है, घर का काम चल रहा है, प्लास्तरा ऊपर का हम लोग का जो प्लास्तरा नहीं हुआ था तो वही चल रहा है, तो वहाँ तो अभी होगा ही नहीं। मम्मी बोले थे कि छठ पूजा इस बार वहीं पे करेंगे आगरा में ही, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत छठ पूजा में बहुत खटाली हो जाता है और काम भी बहुत पड़ जाता है, और इस बार तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इस वजह से छठ पूजा नहीं होगा घर में। आप लोगों को कुछ कुछ बताना था लेकिन रहने देते हैं क्योंकि अभी घर में भी नहीं बताए हम लोग तो सोचते हैं कि अगर मम्मी लोग ब्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे कि देखो हम लोग को नहीं बोला, लेकिन पूरा यूट्यूब फैमिली को अपना बताइए कि क्या है नहीं है, तो इस वजह से भी रहने देते हैं। आप लोग ऐसे मेरा ब्लॉग से पूछ के हमको लगा कि पापा है इसीलिए ब्लॉग बंद कर दिए थे। और हम अभी खा रहे हैं खीरा और इसमें हल्का सा जलजीरा डाले क्योंकि हमको ठीक नहीं लग रहा, तो जलजीरा और खीरा खाएंगे। मेरे साथ आप लोग भी खाइए। आ गए हैं घर क्वार्टर से, ये मेरा जंतर मंतर का चीज है तो हम जब भी वहाँ पे लेके जाते हैं तो उसको फिर लेके ले आते हैं, तो वही थैली में करके लेके आए थे, वही निकाल रहे। और हमको लग जाता है ना रात में भूख क्योंकि जल्दी से नींद नहीं आता और जल्दी हम सोते भी नहीं हैं, भूख लग जाता, तो आज बिस्किट लेके आए हैं क्योंकि कल हमको कस के भूख लग गया था और नींद भी नहीं आ रहा था भूख के मारे। और ये लाइट मेरा पता नहीं खराब हो गया ना क्या, जलता ही नहीं है। इसको रख देते हैं, और ये बिस्किट लेके आए हैं
तो चलिए इसको अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा आते हैं मंजली मम्मी घर से घूम के। अब पिछिया भी खोल दिए हैं क्योंकि ना पूरा पैर में मेरा पानी लग गया है, इसी वजह से खोल दिए हैं पिछिया। तभी चलिए चलते हैं मंजली मम्मी घर, पता नहीं वो लोग सो गए हैं ना क्या। टाइम के 9:30 हो गया, सो ही गया हुआ, फिर भी थोड़ा सा आते हैं। ये पापा के लिए खाना है क्या? बना लिया तब दिखा, क्योंकि आज परदोस है तो अच्छा ये बना के दिए हैं, और इसका रेसिपी हम आप लोगों को बाद में बताएंगे अभी नहीं। तो ये दे दिए हैं, ये काजू किशमिश और ये चीनी। मॉर्निंग माय टू फैमिली, सुबह का 7:30 बजे उठ गए हैं हम और सब कुछ हो गया है, थोड़ा सा घर साफ सफाई कर रहे हैं। ये अलग है क्योंकि कल हम क्वार्टर पूरा साफ सफाई कर दिए थे, पर चौड़ा नहीं किए हम लोग क्योंकि मम्मी इस बार छठ नहीं कर रही है और करेगा भी कौन, अभी तो कोई है नहीं, तो इस वजह से पचौड़ा हम लोग नहीं किए। थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता तो उतना खटाली नहीं कर सकते हैं। और ये घर थोड़ा सा झाड़ेंगे और साफ करेंगे, सामान इधर उधर अच्छा से सरिया के रखेंगे क्योंकि धनतेरस पार हो गया है, बहुत कोई धनतेरस कल ही मना लिए जैसे कि मंगलवार को। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा धनतेरस में क्या क्या खरीदे, हम तो सिर्फ झाड़ू खरीदे बस और कुछ भी नहीं। और वहाँ पे मम्मी खरीदे हैं वो बाद में बताएंगे, और कल रात में नहीं ब्लॉग का एंड कर पाए हम क्योंकि बहुत रात हो गया था, मम्मी से बात करते करते 12 बज गया था, तो इस वजह से नहीं एंड कर पाए। और मम्मी से बात की और सो गए, इतना थक गए थे। तो कल जो पापा को हम बना के दिए मखाना, उसका रेसिपी हम नहीं बताएं आप लोगों को और नहीं दिखाएं, बस सिर्फ बनाए वो दिखाएं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगा क्या बनाए नहीं बन, मतलब जो बनाए हमको अच्छा नहीं लगा इसीलिए हम आप लोगों को नहीं दिखाएं। पता नहीं पापा को अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्वार्टर जाएंगे पूछेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बताएंगे आप लोगों को भी, वैसे हमको नहीं अच्छा लगा। और कल पापा परदोस था, आज शिवरात्रि है तो महीना में शिवरात्रि करते ही हैं पापा, महीना में 2 उपास हो ही जाता है हमका, तो उस वजह से वो बनाए थे हम। और क्या बोले, आप लोग अच्छे से रहिएगा, सबको एडवांस में हैप्पी दीपावली और अच्छा से लक्ष्मी गणेश जी का पूजा कीजिएगा। बस इसी के साथ हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, अच्छा दीपावली मनाइएगा, छठ भी अच्छे से मनाइएगा। तो छठ पूजा ब्लॉग बाद में दिखाएंगे आप लोगों को, बाद में बताएंगे, तब के लिए बाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे।